आटे का हलवा, ये सुनते ही हमें याद आता है गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद। एक्चुअली कड़ा प्रसाद बनाने का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बहुत आसानी से, बिना किसी परेशानी से और बिल्कुल इजीली हम भगवान के लिए प्रसाद बनाएं। आटा सबके घर में होता है, शक्कर सबके घर में होती है और घी तो पंजाब में बहुत होती है, तो बस कड़ा प्रसाद बनता था इन तीनों चीजों से ही। हमारे यहाँ गणेश जी विराजे थे 10 दिन के लिए, तो मैं गणपति महाराज के लिए आटे का हलवा प्रसाद में बनाई थी, वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कड़ा प्रसाद और आटे के हलवे में डिफरेंस यही है कि कड़ा प्रसाद में हम इलायची या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब हम आटे का हलवा बनाते हैं तो हम चाहें तो हम इस पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आटे का हलवा बनाने के लिए रेसिपी बहुत सिंपल है। आपको सब चीज़ एक 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 के रेशियो में लेना है, 1 कप शक्कर, 1 कप घी और 1 कप आटा। बस पानी जो है वो हमें लेना है 2 कप। तो हम सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। एक पैन में हमने लिया 1 कप शक्कर और इसमें हम डाल देते हैं 2 कप पानी। चाशनी हमें कोई तार चेक करके नहीं बनाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शक्कर पानी में घुल जाए ताकि जब हम इसे आटे के साथ मिलाएं तो ये कोई लंप या इस तरीके का फॉर्म ना करे। तो बस शक्कर पानी में घुलते तक ही हमें चाशनी बनानी है। तो हमारी ये चाशनी रेडी हो गई है, इसे अब हम एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। और पैन को दोबारा चढ़ा देते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी हम कोई भी तरीके का हलवा बनाते हैं, चाहे सूजी का बनाएं या आटे का बनाएं या हम उपमा ही क्यों ना बनाएं, अगर हम आटे को या सूजी को कुछ देर तक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो उसका एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है। सूजी के हलवे में भी यही बात है और आटे के हलवे में भी यही बात है। तो आटे को हम बहुत अच्छे से एकदम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल धीरे 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 हम इसे सेकेंगे ताकि आटे से थोड़ी खुशबू भी आए और आटे का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, बिल्कुल हल्का। बाद में हम इसे घी डालकर भूनेंगे, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका जो मॉइस्चर है इससे निकल जाएगा और थोड़ा सा ये भुरभुरा सा हो जाएगा, इसमें एक टेक्सचर आ जाएगा। तो ये हमने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया, इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और अब हम पैन को दोबारा चढ़ाएंगे और हम ड्राई फ्रूट्स को पहले थोड़े से घी में भून लेंगे। जो हमने टोटल घी ली है उसी में से हम थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे। पहले मैं काजू और बादाम को फ्राई कर लेती हूँ। इसे बिल्कुल सावधानी से लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ये बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं 1 या 2 मिनट में ही। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे काटेंगे, इससे काटना भी बहुत आसान हो जाता है। पहले काट के अगर आप इसे भूनेंगे तो बहुत सारा छोटे छोटे टुकड़े वेस्ट भी हो जाते हैं। और किशमिश को हमने काजू और बादाम के साथ नहीं डाला था, किशमिश हम अभी डाल रहे हैं क्योंकि किशमिश और जल्दी फ्राई हो जाता है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही। तो किशमिश को बस डालना है और तुरंत निकाल लेना है। अब हम डाल देते हैं बाकी बची हुई पूरी घी को। हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो 1 कप घी आपको नाप से लेना है वो पिघला हुआ घी लेना है, क्योंकि घी जब जमा हुआ होता है तो 1 कप जमा हुआ घी करीब 1.5 कप के बराबर हो जाएगा। अगर आप उतना घी डाल देंगे तो पूरा हलवा एकदम घी घी सा लगेगा, तो इसलिए घी पिघला हुआ 1 कप लेना है। और 1 कप घी में अब हम डाल देते हैं ड्राई रोस्ट किए हुए आटे को और अब हम बिल्कुल धीमी आंच में इसे सेकेंगे, धीरे 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 हम इसे सेकेंगे और बहुत अच्छी आपको खुशबू आएगी। यही खुशबू तो है जो इस प्रसाद को बिल्कुल खास बनाती है। एक्चुअली गुरुद्वारा में जो कड़ा प्रसाद बनता है उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते, बस घी, शक्कर और आटा, और उसी से उसका स्वाद कितना बढ़िया हो जाता है। तो घी में हम आटे को बिल्कुल धीरे 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 धीमी आंच पे सेकते रहेंगे और इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते भी रहेंगे
और आपको बहुत ध्यान रखना है, ये जो कलर इसका अभी जैसा आ रहा है और इसको यहाँ से और डार्क कलर के बनने में बिल्कुल 1-2 मिनट का ही समय लगता है। ये बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पूरा ध्यान इस पे लगा कर रखना है और इसको धीरे धीरे सेकना है। एक्चुअली आटे का हलवा एक बहुत ही पुरानी रेसिपी है और ये तब से बनाई जाती थी जब आटा चक्की में पीसा जाता था, तो चक्की का पिसा हुआ आटा जो है वो काफी मोटा होता था, इसलिए आटे का हलवा थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटे से बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हमने शुरू में जो आटे को ड्राई रोस्ट किया था उससे हम रेगुलर आटा जो हम घर में यूज करते हैं उससे भी हम बहुत बढ़िया आटे का हलवा बना सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से ड्राई रोस्ट करने से हमारा जो आटा है ये थोड़ा दानेदार हो जाता है, तो रेगुलर आटे से ही हम बहुत बढ़िया आटे का हलवा बना पाएंगे। घी में भुने हुए आटे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे जब आप खुद बनाएंगे तभी आप इसे महसूस कर पाएंगे, और घी भी काफ़ी अलग होने लग गया है। ये देखिए, मैं इसको आपको चम्मच से उठाकर दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं, ये कलर काफ़ी आ चुका है। अब हमें बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि इसका कलर अब बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। तो एकदम हमारा ये आटा भूनना हो चुका है, फ्लेम हम पूरी देर लो ही रखेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं चाशनी, और चाशनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम थोड़ा और पकाएंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे। इसे हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि इसका कलर अभी आया नहीं है तो आप देखिए कि ऐसे घुमाते घुमाते जब हम इसे भूनते रहेंगे तो इसका वो डार्क सा कलर भी धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि आटा बहुत गर्म है और इसमें शक्कर भी है, घी भी है, तो इसमें जो वो कड़ा प्रसाद वाला जो कलर है वो अभी धीरे धीरे बस आ ही जाएगा। इसे हमें ऊपर नीचे करके अच्छे से स्टर करते रहना है ताकि ये अच्छे से और थोड़ा कुक हो। भुने हुए आटे में चाशनी डालने के बाद करीब 1-2 मिनट में ही हलवा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन हमें उसके बाद भी इसे और 2-3 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और आप चाहें तो इसमें पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू ऐसे ही इतनी अच्छी होती है कि अगर आप इलायची ना भी डालें तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो घी की मात्रा और शक्कर की मात्रा अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ट्रेडिशनल प्रोपोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकालकर ऊपर से भी ड्राई फ्रूट से चाहें तो सजा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया आटे का हलवा बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कड़ा प्रसाद तो गुरुद्वारे में ही मिलता है और उसका जो स्वाद है उसे हम कोई नहीं ला सकते, क्योंकि वो हाँ भगवान की एक कृपा होती है तो शायद वो स्वाद लाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी ये आटे का हलवा खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप एक बार इस रेसिपी से बनाकर देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऊपर जो ये कुछ वीडियो के लिंक है ना उसमें आपको जो भी पसंद हो उस पर एक बार ज़रूर क्लिक कीजिए। एक और अच्छी रेसिपी वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है।